नमस्कार, मैं आचार्य सपना फ्रॉम एस्ट्रो सपना। आज हम बात करेंगे शादी में विलंब की। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे बच्चियां खुद भी आते हैं, जिनकी शादी होने में विलंब हो रहा होता है, देर हो रहा होता है। कई बारी कैरियर भी इसकी वजह रहा है कि लोग बहुत कैरियर ओरिएंटेड होते हैं और शादी जो है वो देर तक टलती जाती है क्योंकि काम को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। पेरेंट्स भी आते हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है कि बेटे की या बेटी की शादी कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, इतनी देर क्यों हो गई है। आजकल टाइम चेंज हो गया है, हमेशा पेरेंट्स या लड़के लड़कियां जो आते हैं वो आते हैं 25, 26, 27 साल के बाद, क्योंकि काम में इतने बिजी होते हैं कि शादी को वो सेकेंडरी रखते हैं। पर जब शादी का ध्यान आता है तो शादी में डिले हो चुका होता है। हॉरोस्कोप से हमें पता लग जाता है कि शादी में विलंब क्यों हो रहा है या इसकी वजह दशा है या आपका जो हॉरोस्कोप के ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे हैं जो शादी को डिले कर रहे हैं। पर कई बार ऐसे भी होता है कि शादी का टाइम हम निकाल के आते हैं कि जिस टाइम पे शादी का वक्त चल रहा था आपने उस टाइम पर शादी को पीछे रखा और दूसरे कामों को आगे रखा। पर शादी होना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे बच्चियों को खुश देखना बहुत जरूरी है और एक लड़के लड़की के लिए भी विवाहित जीवन व्यतीत करना बहुत ही जरूरी है। जिन बच्चे बच्चियों की लड़के लड़कियों का विवाह होने में विलंब हो रहा है या जो चाहते हैं कि उनकी शादी जल्दी से हो जाए, उसके लिए मैं आज आपको दो उपाय बताऊंगी जो बहुत ही कारगर हैं, पर करने आपने अपने दिल से हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने शुरू कर दिया। पहला उपाय, थर्सडे को शुरू करना है आपने, वीरवार को 7 हल्दी की गांठें खरीद कर लाइए। उन हल्दी की गांठों को आप जो है अपने मंदिर में रख दीजिए, नहा धोकर अगरबत्ती कीजिए, वहां पर दीपक जलाइए, जोत जलाइए, जैसा आपका दिल हो। उसके बाद उसमें से आप एक हल्दी की गांठ लीजिए और मंदिर में जाइए और पार्वती माँ के आगे उनके चरणों में उसको अर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। मनोकामना मांगने के साथ साथ आपको एक जो है मंत्र पढ़ना है 108 बारी, यानी कि एक माला। उस मंत्र को ऐसे पढ़ना है, मम मनोरमम पति पत्नी देही। अगर तो लड़का ये वाला उपाय कर रहा है तो उसको पत्नी बोलना है और अगर लड़की ये उपाय कर रही है तो उसको पति बोलना है। इस मंत्र को आप 108 बारी यानी कि एक माला पढ़िए और वापस आ जाइए। ऐसा आप लगातार 7 वीरवार को करेंगे, 7 थर्सडे आपको ऐसे ही नियम को निभाना है। इस मंत्र को आप रोज पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब 7वां वीरवार हो तो आपने 7 जो है वो बेसन के लड्डू भी लेने हैं। 7 में हल्दी की गांठ लेकर मंदिर जाइए, उन बेसन के लड्डुओं को और वहां पर चढ़ाइए। पंडित जी आपको जो लड्डू वापस करेंगे आप उन सबको बुजुर्ग लोगों में बांट दीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। ये तो था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय जो मैं बताने जा रही हूं वो भी बहुत सरल है। आपको 5 चीजें जो है एक चुन्नी में रखनी है। वो 5 चीजें हैं, लाल और हरी चूड़ियां, सिंदूर, लाल बिंदी, 7 रुपए और साथ में लाल रिबन। इन सबको आप एक लाल चुन्नी में लपेटिए, बांध लीजिए उसको, और उसको जो है सोमवार के दिन पार्वती माँ के चरणों में रख के आइए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए कि हे माता मेरी मनोकामना पूर्ण कर, हे माता मुझे पति मिले या पत्नी मिले।
ये आप मनोकामना करके वहां जाइए और आप देखिए कि कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है. ऑल द बेस्ट.